हिंद महासागर में सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है हिंदुस्तान, और दुश्मन देशों की नजर भी समंदर की इसी सरहद पर होती है। खासकर मुंबई पर आतंकी हमले के बाद समुद्री सीमाओं की सुरक्षा देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। पाकिस्तान लगातार समंदर के रास्ते घुसपैठ की साजिश रचता रहता है, और चीन भी हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लगा रहता है। एक दिन पहले केरल के कोल्लम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस खतरे को लेकर आगाह किया था। राजनाथ सिंह ने कहा था, कच्छ से केरल तक पड़ोसी देश हमले की किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। इस पॉसिबिलिटी को ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कच्छ से लेकर केरल तक जो भी हमारी कोस्ट लाइन है वहां पर हमारा पड़ोसी देश के हमारे पड़ोसी देश के आतंकवादी यहां पर भी कोई बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता है। अब ऐसी तमाम साजिशों को जबरदस्त जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। नौसेना के बेड़े में समंदर से आसमान में मिसाइल हमला करने वाली पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी सफल परीक्षण के बाद नौसेना के बेड़े में आ रही है। इस मौके पर P-17 ए श्रेणी पहले जलपोत आईएनएस नीलगिरी को भी पानी में उतारा जाएगा। इसके अलावा मुंबई में युद्धपोतों के लिए बना ड्राई डॉक भी नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला साबित होगा। दरअसल समंदर की सुरक्षा में तैनात युद्धपोतों को लगातार मरम्मत की जरूरत होती है। पानी में रहते हुए मरम्मत का एक काम मुमकिन नहीं हो सकता, इसलिए एक ऐसा डॉक बनाया गया है जिसमें आईएनएस विक्रमादित्य जैसे युद्धपोत भी आसानी से आ सकें। इस विशाल ड्राई डॉक को बनाने में 10 साल का वक्त और 1320 करोड़ की लागत आई है। मुंबई में इतने बड़े डॉक को बनाने की जगह नहीं थी, इसलिए इसे समंदर में बनाया गया है। तीन तरफ से समंदर से घिरे डॉक की दीवार बनाने में 45,000 टन कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। इसमें दो गेट लगे हैं, हर गेट का वजन 2,000 टन है। 2009 में इस सबमरीन को बनाने का काम शुरू हुआ। 2016 में इस सबमरीन को पूरी तरीके से बनकर तैयार किया गया। 5 अलग अलग हिस्सों में इस पूरे काम को बांटा गया था। 2017 में इस सबमरीन को है पानी में उतारा गया। बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण हुआ, टॉर्पिडोज किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, किस तरीके से उसे चलाना है, और साथ ही जो एंटी शिप माइंस होते हैं उसे जो बिछाने का जो महत्वपूर्ण काम था वो भी किया गया। तीन नए प्रोजेक्ट के साथ नौसेना का मनोबल मजबूत हुआ है, और ये उन पड़ोसी देशों को कड़ा संदेश है जो भारत में घुसपैठ और गड़बड़ी फैलाने की साजिश में जुटे हैं। सौरभ वक्तानिया, मुंबई।